नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ ही दोस्त सिंह। इस खबर के साथ आपको बता दें कि रामलीला मंचन का श्री गणेश किया गया। जी हां, यूपी के हरदोई जिले में थाना लुनार में रामलीला कमेटी नश्योली गोपाल मुगलापुर में आज श्री रामलीला मंचन का श्री गणेश किया गया। उद्घाटन वयोवृद्ध आदरणीय श्री रामचंद्र सिंह राठौर ने फीता काटकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तथा रामलीला संस्थापक स्मृति शेष रणवीर सिंह चौहान के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए संबोधित किया कि भगवान राम की लीला मात्र देखने और सुनने से ही मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। यह मनुष्य जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, इसीलिए हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी का थोड़ा समय निकालकर भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज लोग राम जी के आदर्शों से विमुख होते जा रहे हैं, इसके कारण समाज में भ्रष्टाचार तथा अपराध बढ़ गए हैं। राम के आदर्श जीवन को लोग अपनी जीवन शैली से जोड़े तो समाज में सुख तथा शांति कायम हो जाएगी। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने बताया कि ये पहले दिन मंगल वंदना के बाद नारद मोह रावण जन्म तथा रावण तपस्या लीला का मंचन किया गया। उन्होंने कहा कि पहले दिन भारी संख्या में लोग रामलीला देखने आए। इस मौके पर ब्रजराज सिंह चौहान, अवकाश प्राप्त अध्यापक विश्वनाथ सिंह, हरिश्चंद्र सिंह, अवकाश प्राप्त अध्यापक सुरेंद्र सिंह राठौर, प्रदीप सिंह, कृष्णा सिंह, सुधीर सिंह, विनोद सिंह, देवेश कश्यप और गौरव कुशवाहा सहित कमेटी के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। निखिल लोनार से शिवम सिंह की रिपोर्ट। ये जो रामलीला का मंचन हो रहा है, ये पिछले कितने वर्षों से होता आ रहा है और इसका क्या क्या प्रभाव इस ग्राम सभा में पड़ा? हमारे प्रिय बेटा रणधीर सिंह द्वारा स्थापित इस रामलीला का आयोजन 34वां आयोजन है और मैं बराबर करता रहा हूँ और ईश्वर चाहता है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा करता रहूंगा। धन्यवाद।